बजट। विधानमंडल दल की बैठक हो गई सर, इसको डाउन बोल रहे हैं और उसमें ये फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। अरे यार नीचे और उसके आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग सब लोग वहाँ जा करके गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और उसको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में। कल आफ्टरनून चार साढ़े चार बजे के करीब होगा, आफ्टरनून में होगा। अच्छा, आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है बताएंगे? कहा सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है तो बिहार का और आगे विकास हो और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, इसके लिए हम सब लोग करेंगे। कल कितने मंत्री शपथ? वो अभी अभी तय होगा, सभी घटक दलों के मंत्री। हाँ सब लोग, तो अब आज जो हो गया चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है तो अब तो भेजेंगे कभी, आज आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। सर एनडीए विधायक दल का स्वरूप सर क्या हुआ सर, जानकारी दे दिया जाए। विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं उन सब लोगों की बैठक हुई है और उसी बैठक में ये सब निर्णय हुआ है। स्पीकर को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है स्पीकर हमारा हो, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं, अभी उन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं। तो सारे मंत्री सर अभी कितने मंत्री शपथ लेंगे, संख्या कुछ बता सकते? वही वही इसके बाद ही अब तय हो गए सर, सबकी जानकारी अब हो गया, गवर्नर साहब को दे दिया गया, उनका आदेश निर्गत हो गया। अब ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा सब लोगों से बातचीत करने के बाद, कल कौन लोग शपथ लेंगे और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा और तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी जिसमें सभी नव निर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा। NBC 24 सच की ताकत।